बंद करो, बंद करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो सारी किसान जथेबंदियां ने अज भारत बंद का सद्दा दिता सी, जो कि दिल्ली कई दिनों तो लग के किसान यूनियन अमृतसर दे प्रधान सरदार जसकंत सिंह की अगवाई दे विच बराड़ी ग्राउंड दे विच मोर्चे लाए सी। अज जथेबंदियां ने भारत बंद का सद्दा दिता गया थी। फोर्सां दे रोकण दे वजूद भी दिल्ली दियां सड़कां जाम कीतियां गईयां ने। अज दिल्ली कोई भी सड़क चलन नहीं दिती जाएगी, जिदे विच जिला बरनाला दी किसान यूनियन अमृतसर भी उस मोर्चे च पहुंची है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह मान साहब के दिशा निर्देशों के चलते हुए किसानों की हमायत से पहुंचे किसान यूनियन अमृतसर ने अज इस दिल्ली दी सड़कों के उत्ते जाम ला दिता है। दिल्ली की हिक ते भारत के किसान सारे रल मिल के अपने हक लै रहे हैं, जो कि जिन्ना चिर हक नहीं मिलते उन्ना चिर असी अपना संघर्ष जारी रखांगे। असी उन्ना चिर अपना संघर्ष जारी रखांगे। आज देख लो सारिया ने किसान यूनियन दे जो सद्दे दे उत्ते भारत बंद किया गया सी, अज वो सारा मुकम्मल तौर ते दिल्ली दियां सड़कां जाम कीतियां गईयां ने। फोर्सां दे वजूद भी जो कि फोर्सां दे रोकण दे वजूद भी आ साडे जिला बरनाले दी किसान यूनियन अमृतसर दी जथेबंदी सारी अज दिल्ली दियां सड़कां दे उत्ते कई दिनां दे उत्तों जो किसान यूनियन अमृतसर दा मोर्चा चल रहा है सरदार मान साहब दे दिशा निर्देशों दे उत्ते, ते बरनाला दी जथेबंदी इत्थे पहुंची हुई है, जिदे इस्त्री विंग दी प्रधान बीबी सुरजीत कौर बरनाला जी वह भी पहुंचे हुए ने, ते बीबी शांति जी। आ साडी किसान यूनियन अमृतसर दी सारी जिला लीडरशिप दी जथेबंदी ने दिल्ली दियां सड़कां दे उत्ते जाम लाता भी जिन्ना चिर साडे किसानां दे हक सानू दित्ते नहीं जांदे असी अपना संघर्ष जारी रखांगे। जिन्ना चिर भी मोदी साडियां मंगां नहीं मानदा, काले कानूनां नूं वापस नहीं लैंदा, उन्ना चिर साडा संघर्ष जारी रहेगा। असी इंच भी उरां परां नहीं होवांगे जिन्ना चिर साडियां मंगां सानू नहीं दित्तियां जांदियां। पूरे भारत के किसान अज पंजाब के किसानों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के जुड़े हुए ने, जो कि जो पहल पंजाब के किसानों वालों की गई है, जो कि सारी भारत के सूबे ने हमायत दी है भी जिन्ना चिर मोदी की जुंडली साडिया मंगा पूरिया नहीं कर दिया इस तरह दिल्ली नूं जाम किया जाएगा। जो कि आ देखो सोडे सामने सारी ही जथेबंदी इत्थे आ बैठी है जी। दिल्ली दी सारिया सड़कां जाम कीतियां गईयां होईयां ने, फोर्सां दे रोकण दे वजूद भी भारत किसान यूनियन अमृतसर दी अगवाई कर रहे जसकंत सिंह कान सिंह वाला दी अगवाई दे विच अज दिल्ली दी सड़क दे बराड़ी ग्राउंड दे जो सड़कां रोड पैंदे ने ओह जाम कीतियां गईयां ने। आ तुहाडे सामने सारियां तस्वीरां दिखा रहे हां जी। जिंदाबाद।
जो कि अज किसान जथेबंदियों वालों पूरे भारत का बंद का सद्दा दिता गया है। आप जी नूं तस्वीरां राही सब कुछ दिखा रहे हैं। जो दिल्ली दियां सड़कां दे उत्ते जाम किया गया है, जो कि किसान यूनियन अंबरसर कई दिनों दे उत्तों धरना जारी चल रहा है। उस धरने दे विच हाजरियां लवाउण जिला बरनाले की किसान यूनियन लीडरशिप, जिला बरनाले की इस्त्री विंग की लीडरशिप सारी इत्थे पहुंची हुई है। जो साडे सर्कलां दे जथेदार भाई जसकान सिंह कान सिंह वाला की अगवाई दे विच आ दिल्ली दियां सड़कां जाम कीतियां गईयां ने। आप जी नूं सारियां तस्वीरां राहीं आप होरसां दे नाल बहस भी हो रही है, जो कि आप जी नूं सारा दिखा रहे हांगे। दिल्ली दी हिक दे उत्ते उन्ना चिर किसान नचणगे जिन्ना चिर किसानां नूं अपने हक नहीं मिलदे, काले कानून जिन्ने चिर वापस नहीं हुंदे उन्ना चिर किसान इंच भी परे नहीं होणगे अपने फैसले दे उत्तों। भावें सानूं कुछ भी दुख तकलीफां झलणियां पैण, आप जी आ देख रहे हो सारी दिल्ली दी सड़क बराड़ी ग्राउंड दे विच जो मोर्चा लग्या सीगा किसान यूनियन जो बंद दा सद्दा इस मोर्चे दे विच किसान यूनियन अंबरसर दी अगवाई कर रहे भाई जसकरन सिंह जी, आप जी आ सारा देख रहे हो जिला बरनाले दी सारी लीडरशिप, किसान यूनियन जिला बरनाले दी सारी लीडरशिप, सर्कल जथेदार इस्त्री विंग दी सारी लीडरशिप बरनाले दी भाई जसकरन सिंह कान सिंह वाला दी अगवाई दे विच आप जी नूं सारियां तस्वीरां राहीं दिखा रहे हां। This is the road right outside the ये हमको दिल्ली आने की जरूरत क्या है? हम कोई सिर्फ सिखा है, कोई किसान है? हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी में? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो संविधान हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसमें लिखा है जब सरकार ना माने, जब विरोधी दल बात ना करे, जब सुप्रीम कोर्ट ना माने, जब राष्ट्रपति ना माने तो फिर हम क्या करें? हम धरना भी कर सकते हैं, हम मुजाहरा भी कर सकते हैं, हम सड़क भी रोक सकते हैं, टैंकी भी, बशर्ते कि हमारे पास ना तो लाठी होनी चाहिए ना तेज तैयार होना। हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हाँ जितना ये बात सुनो, कोई मेडिकल वाला हो नंगेगा, कोई शादी वाला हो नंगेगा, कोई लंगड़ा हो नंगेगा, सभी तो नंगेगे। पर हम कहे देखो आप भी सोचो, हम हमारे लिए तीन कानून देखो, हम कहे पहली दफा बात हुई हम की रद्द कर दी, दूसरी बार बात की रद्द कर दी, तीसरी बात की रद्द करती, चौथी बार बात की रद्द करती, पांचवी बार बात की रद्द करती, छठवीं बार रद्द करती। अब बात होनी है फिर दोबारा। हमने तो देखो हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। आखिरी आखिरी गल होनी है ना, फिर अभी नहीं रोकांगे, फिर नहीं रोकते, नहीं फिर जरा कल कल दा दे रोकते, पहला करो तुसी तो सानू रोकदे हो, जेड़ा सारा बंद कीता कोल्डी बंद कीता रोको उन्होंने।
कृपा करके इतो रस्ता जरा मेडिकल ले जाओ नहीं पूरे भारत का बंद सद मैडम पुलिस नहीं तीन बजे तक नहीं पुलिस साड़ी बेनती है मोदी जी शर्म करो झूठ बोलो बंद करो बंद करो अंदर तक की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो अंदर तक की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो किसानों के पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो अंदर तक पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो काला कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो काला कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो सरकार होश में आओ किसानों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो किसानों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो अंदाजा की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो कानून वापिस लो वापस लो वापस लो कानून वापिस लो वापस लो वापस लो जिंदाबाद 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 एम्बूलेंस नूं सादी वाले नूं किसे नूं कोई ज्यादा तकलीफ है किसानां वल्लों उहनूं कोई रुकावट नहीं कोई एमरजेंसी जा रहा है जां ढिल मठ है दवाई लैण जा रहा है उन्हां नूं लंघण दी मंजूरी है जो कि आप जी नूं सारयां नूं पता है भी हुण दिल्ली दियां सारियां सड़कां बंद कीतियां गईयां ने ओके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो कि अज आप जी नूं सारयां नूं पता है किसान यूनियन वल्लों अज दी तरीक दे विच पूरे भारत नूं बंद दा सद्दा दित्ता गया है जो कि किसान जथेबंदियां कई महीनों तो अपना संघर्ष कर रही ने इस दिल्ली सरकार नूं बार बार ये बेनती कर रही ने भी जो तू काले कानून किसानां दे उत्ते थोपे ने इहनू वापस लवो जदों सानू ये कानून चाहीदी है नहीं तो तुसी सानू धक्के नाल क्यों कानून दे रहे हो। कई दिनों तो लग के दिल्ली दियां सारियां सड़कां बंद कीतियां होईयां ने अज किसान यूनियन वल्लों जो पूरे भारत का बंद का सद्दा दिता है किसान यूनियन अंबरसर वालों भी जो बराड़ी ग्राउंड के बिच किसान यूनियन
अमृतसर के प्रधान भाई जसकरण सिंह कान सिंह वाला की अगवाई के मोर्चा लाया है। अज किसान यूनियन के मते के उत्ते चलदिया बराड़ी ग्राउंड तो बाहर निकल के रोड के उत्ते जाम किया। सारी जथेबंदी बैठी हुई है, जिन्ना चेर 3 बजे तक इस तरह सड़क जाम रखिया जाएगियां। हुण मैं आप जी दे नाल विचार करवाउणा किसान यूनियन सूबे दे जनरल सकत्तर भाई ओंकार सिंह जी बराड़ जी उस संगतां दे नाल विचार रखणगे। भाई ओंकार सिंह बराड़ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें आप सब जानदे हो कि लगभग 4 महीनों तो मोदी सरकार ने जो काला कानून लागू किया करोने के नाँ से पूरा वर्ल्ड बंद कर दिता सी, लोग घर बैठे सी। इन्होंने पहला धारा 370 फिर बाबरी महल ढा के राम मंदिर बना के उस तो बाद किसानों से हमला कर दिता। कहने का भाव बाणी से हमला, पानी से हमला, किसानी से हमला, जबानी से हमला। अज 585 किसान जथेबंदियों ने बंद के सदे से दिल्ली दे विच जिहड़ा रोड जाम किया गया, किसान यूनियन अमृतसर, पंजाब किसान यूनियन ते साडा जादव भाईचारा, जादव समाज, जादव भाईचारा दे वरिंदर जादव जी अते भीम आर्मी दे साडे बहुत ही सत्कारयोग वकील साहब, वाल्मीकि समाज ते सफाई कर्मचारी जिहड़े दिल्ली दे विच सफाई करदे आ नगर कौंसल तो, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 1914 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਆਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, MSP ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1825 ਰੁਪਈਆ ਵਿਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ 600 ਨੂੰ 700 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ 7100 ਰੁਪਈਆ, ਸਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ 4500 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਆਪਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਰੇਟ 5500 ਰੁਪਈਆ, ਬਾਜਰਾ ਵੀ 3500 ਨੂੰ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MSP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ SDM ਕੋਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ DC ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਲੂ ਬਿਜਾਏ ਸੀ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗੱਟਾ ਕਰਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ। ਐਰਕੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਈ। ਜੇ ਭਾਈ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ RSS ਨੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
भावे के अमेरिका ने यूएसए ने सानू रात खबर पता लग्या के सानू पावर लेके दी कोर्ट राही यूएनओ राही सड़क भी रोक सकते हैं जे हुण सानू सरकार रोकूगी तो वर्ल्ड पद्धर ते सरकार नूं भी खिच्चिया जाणा क्योंकि यूएनओ इहो जी एक जथेबंदी एक संस्था एक एजेंसी आ उह किसे ते भी परचा दर्ज करा सकदी आ इस करके असीं शांतमई तरीके दे नाल बैठे आ मैं अपना समा लैंदा होया जिन्ना मैनूं समा सैकटरी साहब साडे जिला प्रधान ने दित्ता सी ते हुण वाल्मीकि समाज नूं हुण प्रधान साहब साडे सैकटरी साहब दसणगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन किसान यूनियन सूबा जनरल सकत्र भाई ओंकार सिंह जी बराड़ जी का इन्हों का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने सारे ढंग के नाल दस्या भी साडे नाल सरकार किस तरह धक्का कर रही है किन्ने बेर असी मीटिंगा कीतियां ने सरकार दे नाल सरकार टस्त मस्त नहीं हो रही सरकारां दे नाल मजाक कर रही है सरकार नूं बार बार ये गल बेनती है भी हाल तक शांतमई तरीके दे नाल किसान तैनूं बेनतियां कर रहे ने जेकर भारत दा ये अन्नदाता इस देश नूं दा ढिड भर सकदा तां जदों इन्हां ते भीड़ आई तां इह सानूं अज शांतमई संघर्ष दे कल नूं इस तरह ना होवे इह जे अग साडे घरां तक भी पहुँच जे। हुण मैं बाल कमीज समाज के मुखी बेनती करदा कि संगतां दे नाल जगदीश सिंह जी नूं बेनती करदा भी वह दो मिनट संगतां दे नाल विचार सांझे करनगे। बाल कमीज समाज के मुखी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल जो बोले सो निहाल। आज पूरे भारतवर्ष का वाल्मीकि समाज की ओर से मैं जगदीश वाल्मीकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो हमारे भारतवर्ष के किसान हमारे अन्नदाता के खिलाफ जो ये बिल पेश किया है उस बिल को वो वापस ले और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हमारे भारतवर्ष का वाल्मीकि समाज किसान भाइयों के साथ तन मन से जान लड़ाते हुए खड़ा रहेगा। किसान एकता किसान एकता किसान एकता। मैं यहाँ पर बैठे हमारे विजेंद्र यादव जी अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष उनसे निवेदन करूंगा कि वो किसान भाइयों के पक्ष में अपनी विचारधारा पेश करें। भाई विजेंद्र यादव जी आज हिटलर शाही तानाशाही देश की केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून अन्नदाता के खिलाफ जो लागू किए गए हैं लगातार देश में 3 महीने से आंदोलन चल रहा लेकिन दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार आज 13वां दिन है और जब 5 बार तक फेल हो चुकी इस देश की केंद्र सरकार तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख देकर किसान संगठनों को आपस में तोड़ना चाहती है उनका मनोबल कमजोर करना चाहती है और किसानों को इतना कमजोर कर उनको वापिस भेजने के लिए बैठी हुई है। लेकिन आज जब निर्णय लिया गया कि 5 वार्ता के बाद जब देश की सरकार इतना शाही तानाशाही किसान विरोधी सरकार जब नहीं मान रही है तो किसान संगठनों ने और किरोड़ों अन्नदाताओं ने निर्णय लिया कि 8 दिसंबर को आज के दिन पूरे भारत के अंदर भारत बंद किया जाएगा। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा देश के 26 करोड़ यादों की ओर से आज अन्नदाता के पक्ष में इन काला कानून को वापस लेने के लिए आज यादव समाज समर्थन करने के लिए लगातार 13 दिन से रोड पर किसानों के साथ संघर्ष कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि अन्नदाता ने जब कहा कि काला कानून हमारे पक्ष में नहीं हमारे खिलाफ है इससे हमारी हकमारी होगी तो आपको मानना चाहिए कि पहली बार में ही ये बिल वापस लेने का काम करना चाहिए। लेकिन आज अन्नदाताओं की मांग को नहीं माना जा रहा है इसलिए अन्नदाताओं ने निर्णय लिया कि आज 8 दिसंबर के दिन जो भारत बंद है अगर आज ये सरकार जो गुंगी बैरी सरकार है अगर ये नहीं जागी तो कल
जो 9 तारीख की वार्ता होने जा रही है, अगर उस वार्ता के अंदर ये इतलासाही तानाशाही सरकार अगर नई किसानों की मांग मानती है तो आज हम बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और आज बुराड़ी के अंदर हमने पूरा हाईवे जाम कर दिया है भारत बंद का समर्थन करते हुए। अगर कल की वार्ता विफल हुई तो यादव समाज भी अंधाता के साथ पूरे देश के अंदर जंतर मंतर रामलीला मैदान और इस देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री की आवाज को और पूरे देश के अंदर जो भाजपा के एमएलए एमपी है उनके सबका घेराव करने के लिए रोड पर निकल जाएगा। इसलिए आज भारत बंद के समर्थन करते हुए मैं मांग करता हूँ इतलासाही तानाशाही सरकार से कि कल की वार्ता के अंदर आप ही किसानों के काला कानून को वापस लेकर किसानों को राहत देने का काम करें ताकि इस कोरोना काल और ठंड के अंदर ये किसान अपने घर जाकर अपनी खेती कर सके और अन्न पैदा कर इस देश का पेट भरने का काम करे। आज पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है कि जवान को किसान और किसान को जवान के खिलाफ खड़ा कर दिया। अन्नदाता का बेटा आज हमारे सामने लाठी लेके खड़ा हुआ है। आज सीमा पर अन्नदाता का बेटा चाइना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था आज वो आपस में लड़ा दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को कि आप जल्द से जल्द ये काला कानून वापिस ले कोई ने बात तो चलाई दोनों देने का काम करो वरना कल की वार्ता के बाद हम लोग पूरे देश के अंदर और हम लोग रामलीला मैदान जंतर मंतर पूरी दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आज देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि कल की वार्ता में आप अन्नदाताओं की मांग मानते हुए ये काला कानून वापिस ले और अन्नदाता को राहत देने का काम करे। किसान एकता जिंदाबाद 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 काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो किसान एकता जिंदाबाद 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 मोदी जी शर्म करो झूठ बोलना बंद करो शर्म करो झूठ किसान एकता जिंदाबाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असि धन्यवाद करते हैं आजाद समाज के मुखी ने सारिया किसान दियां मंगा जो जायज ने उन्हां बारे दस्सिया सरकार नूं लानतां भी पाईआं ने कि ये पहली बार होया कि दिल्ली की ताकत ते ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो कि भारत का ढिड भरन वाले किसान कई महीनों तो अपनियां मंगा की गल कर रहे हैं तो टस तो मस नहीं हो रहा। यह भी पहली बार होया कि बाहरले देशों के प्रधानमंत्रियों ने भी यह गल कही है जेकर किसानों के नाल तू इंसाफ नहीं करेगा किसानों के उत्ते अत्याचार करेगा तो तेन किसी देश के विच नहीं बढ़न दिता जाऊगा। ये भारत के लिए बहुत ही मदभागी गल है एक देश के प्रधानमंत्री बढ़ना दे। हुण मैं बेनती करदा भीम समाज के मुखी एडवोकेट जी नूं कि वह भी आप जी के नाल विचार सांझा करनगे भीम समाज के मुखी एडवोकेट जी बेनती है कि वह भी अपने विचार सांझे कर। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਮੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਬੋਲੇ आर्टिकल 19 हमें ये बताता है कि राइट टू प्रोटेस्ट है। हमारे जो किसान है वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते थे जिसको सरकार ने सिंधु बॉर्डर पे कुंडली बॉर्डर पे रोक दिया। अगर किसान हमारे पास जंतर मंतर जाने का भी राइट था हमारे पास रामलीला मैदान जाने का भी राइट था कोई भी सरकार हमसे हमारा राइट नहीं छीन सकती। पर ये जो मोदी सरकार है इन्होंने सरकार कानून को अपने हाथों ले लिया जब चाहे कानून बदल देते हैं जब चाहे कानून अपनी मर्जी से ले लेते हैं। मैं मोदी सरकार को ये बता दूं कि कानून खेलने की चीज नहीं है मोदी सरकार की
कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, उसकी इज्जत करें। ये किसान है और जिस देश का किसान सड़कों पे, उस देश से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। सारे किसान भाई, सारे भीम आर्मी, सारी समाज, जितने भी समाज है, सब एक साथ है, आज किसानों के साथ है। और बहुत जल्द यहाँ पे हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक एक काले तीन काले कानून की वापसी ना हो जाए। और बहुत जल्द मैं वापसी लौटूंगा इसके साथ लाइफ पे। और हमें आज देखिए आप कैसे पुलिस ने यहाँ पे रोक लिया गया है। हमें पहले बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा था, हम जैसे तैसे करके बाहर आए हैं। और जसकरण जी के साथ हमारा समर्थन है और हमेशा रहेगा। और बहुत जल्द भीम आर्मी की दिल्ली टीम भी यहाँ पहुँच रही है और किसान मोर्चा के साथ हम हमेशा रहेंगे। मैं श्रीमानी अकाली दल अमृतसर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, किसान यूनियन अमृतसर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और हम भी किसानों के साथ है। इसी के साथ जय भीम जय संविधान, जो बोले सोने, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। हमदर्दी रखी है, सरकार नूं अपील भी कीती है, चेतावनी भी दिती है भी हजे भी समय ते तू किसानां नाल बैठ के गलबात कर, जो काले कानून ने इन्हां नूं रद्द कर, किसानां नूं सम्मान दे के दिल्ली तो वापस तोर। जेकर तैं अपनी माड़ी मोटी इज्जत बचाउणी है, तैनूं बार बार किसान जथेबंदियां इह गल बेनती करदियां ने। हुण मैं साडे जिला बरनाले दे इस्त्री विंग दी प्रधान बीबी सुखजीत कौर जी बरनाला, वह भी कई दिनों के उत्ते दिल्ली किसान मोर्चे के उत्ते पहुंचे हुए ने, जो कि किसान यूनियन अंबरसर का मोर्चा बराड़ी लग्या है। ये भी अपना योगदान, अपना परिवार बाल बच्चा छड़ के संघर्ष के विच योगदान पा रहे ने। हुण मोदी नूं ये गल समझ लेनी चाहीदी है कि साडे माता भागौर दीआं वारसां अपने बच्चों नूं छड़ के इस दिल्ली के उत्ते पहुंच रही ने। मैं बीबी सुखजीत कौर बरनाला इस्त्री विंग की प्रधान, उन्हां नूं बेनती करदा कि वह संगतां दे नाल विचार सांझा करनगे। बीबी सुखजीत कौर जी बरनाला, मैं मोदी साहब नूं कहना चाहुंदी आ कि मोदी साहब पहला तां तुसीं साडा पानी लुट्टिया, बिजली लुट्टी, फिर तुसीं कश्मीरियां नूं कर्फ्यू लगा के अंदर बंद करी रख्या, फिर तुसीं करोना दी आड़ दे विच बावरी मच ढाही, हुण तुसीं सानूं किसानां नूं किसानां दे हक पाउण दी गल कीती आ। पंजाब दा किसान कुछ दिन नहीं हैगा, पंजाब दा किसान पंजाब शेरां दी कौम है, जिला बरनाला दी इस्त्री विंग दी प्रधान बीबी सुखजीत कौर ने उन्हें इतिहास दे विचों भी गल्लां दस्सियां ने ते किसानां दा दर्द भी दस्सिया गा। जो किसान संघ जी हुण मोदी नूं इस गल दी समझ जरूर लेनी चाहीदी है अपनी गल रखदियां ने। यह ना हो किसान अके हुए पार्लीमेंट नूं घेर लैण, अज यह साडा शांतमई तरीके का धरना है। रणजीत सिंह जी बांदर जी नूं बेनती करदा कि वह संगतां दे नाल विचार सांझे करनगे। रणजीत सिंह जी बांदर जी वह अपना विचार रखणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जिम्मे लिया है कि भारत बंद किया जाएगा, भारत बंद के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है।
संघर्ष लगातार जारी है।